पहला प्रश्न है, यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन सा शहर जो है शीर्ष पर है? तो वह है शिलांग। एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो यह किया गया है भारत और सिंगापुर के बीच में। इसका आयोजन जो है वह विशाखापट्टनम में किया गया है। इस देश ने T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ। जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ कुल 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन बनाया है। जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी हरारे है, मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर तथा यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ हैं एमरसन मनांगगा। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यहाँ बन गए हैं आर अश्विन। हाल ही में किस संगठन ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है ITBP ने। हाल ही में ISSF एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है लियू यूसुन को तथा यांग जी इनको। कोयला मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो संभाला है विक्रम देव ने। टीवी सोमनाथन जो हैं यह कैबिनेट मंत्री हैं। गोपाल मोहन गृह मंत्री तथा राजेश सिंह जो हैं यह रक्षा मंत्री बनाए गए हैं, रक्षा सचिव बनाए गए हैं। विक्रम मिश्री जो हैं ये विदेश सचिव बनाए गए हैं। तुहिन कांत पांडे जो है यह वित्त सचिव बनाए गए हैं। ये आपकी हाल ही के कुछ सचिव हैं जो कि नियुक्त किए गए हैं मंत्रालयों में। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नगाग या लंका में। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है उर्मिला चौधरी को। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अभ्युदय जिंदल को।